I am speaking Dr. Aslam, the subject which I have to teach in this semester is the Biodiversity and Conservation. It is the title of the subject and course code is BOT 404, its creditors are 4 and total marks are 80. तो 80 मार्क्स जो हैं इसमें से आपके 12 जो होंगे मेरे ख़्याल में सेशनल के होंगे 18 जो हैं वो आपका मिड होगा उसका और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जबकि 30 मार्क्स जो हैं वो आपका फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा तो लिहाजा बच्चों ये जो हमने पढ़ना है बायोडावर्सटी एंड कंजर्वेशन तो बायो मीनस आप जानते हो बायोलॉजी है और बायोलॉजी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड होते हैं दूसरी चीज़ इसमें डाइवर्सिटी है डायवर्सिटी क्या होती है वेरी वैरायटी या वेरिएशन जो होती हैं तो सो बायोडाइवर्सिटी क्या हुई सो द बायोडाइवर्सिटी डील्स विद वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम का क्या मतलब होता है हमारी इस कायनात में या हमारा जो प्लेनेट है इसमें इसमें जो है इसके दो हिस्से हैं एक प्लांट किंगडम में डिवाइड हुआ हुआ है आपको पता है ऑलरेडी और एक एनिमल किंगडम में प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं जिमनोस्पार्म हैं कॉनिफर्स जिसमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स यू नो ऑलरेडी दीज आर द दी। फ्लावर सीड मोस्टली ट्रीज इसमें आ जाते हैं और जिम्नोस्पर्म्स क्या है अनक्लोज ऑफ़ सीड्स होते हैं जबकि एनिमल किंगडम में फाइलम है हमारे सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोड्स है जो कि लार्जेस्ट है और उसके बाद जो है मोलस्का है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें इन वल्टीप्रेट सारे इंक्लूड होते हैं तो बायोडाइवर्सटी एक्चुअली क्या है अब इस तरह भी आप उसको कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द एक्सटेंट ऑफ आर्गेनिज़म्स उसकी एक वसत पैदा होती है बायोडाइवर्सिटी से मुख्तलिफ अनवा के किस्म के जो है वो आर्गेनिज़म पैदा होते हैं वो किस वजह से होते हैं विच इज़ ड्यू टू द दिक्शुलअल रिप्रोडक्शन से होते हैं किससे होते हैं जो मुख्तलिफ़ अकसाम पैदा होती हैं जो उनमें डिफ़्रेंस नज़र आते हैं आपको तो उसकी वजह क्या होती है उसकी हमारा जो सिस्टम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का है वो उसी के मरून मिन्नत होते हैं जैसे फादर मदर है उन्होंने आ स्प्रिंग पैदा किया विद वेरिएशन जो कि वेरिएशन से होगा दैट इज़ द डाइवर्सिटी वो क्या हुआ डाइवर्सिटी इफ तो बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज़ द एसेंशियल फॉर अस इफ़ बायोडाइवर्सिटी फिनिश इट मींस इट मींस लाइफ फिनिश आर एक्सटिंक्ट खत्म हो जाती है सो डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द डलाइन ऑफ लाइफ एक्चुअली डायवर्सटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज़ होती है इखिलाफ होता है स्पीशीज़ जो सेम होती हैं उनके अंदर भी फिर स्ट्रेन आ जाते हैं देखा होगा और उसके अंदर जो है आप, आपस में और दूसरों से भी उसमें डिफरेंट होता है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी अहमियत क्या है बायोडाइवर्सटी की तो प्रोवाइड ए सोशो इकनॉमिक बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड ए सोशो इकनॉमिक मुशी और माशर्ती एंड मोनीट्री एसेट्स टू द नेशन कौम को जो है ये नकदी माल जो हम कमाते हैं या दौलत कमाते हैं ये बायोडाइवर्सटी ही प्रोवाइड करता है अगर इसमें हमें स्टेबिलिटी रहे तो ह्यूमन वैल्यूज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं वट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस जो हमारे लिए अहम होती हैं उन हमको हम वैल्यूज़ कहते हैं रिलेटेड टू बायोडावर्सटी बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स पे जो हयातियाती वसाइल होते हैं तो बायोडाइवर्स ये ह्यूमन जो है उसी पे ही डिपेंड करता है दे आर डाइवर्सटी एंड एकोसस्टम जो उसमें के दरमियान इख्लाफ होता है कोई आपको कोई फसल मिलती है कोई आपको कैसा फल मिलता है कोई आपको ज़मीन से कोई मिनरल्स मिलते हैं इस तरह से आपको कई किस्म की फिशेस मिलती हैं तो उससे क्या होता है एकोसस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि बका देता है दैट सस्टेन देम टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस एसेंशियल गुड्स ह्यूमन लाइफ के लिए जो सामान मुहैया होता है और सार सारंजाम होती हैं तो वो किस की मरून मिन्नत है इसी बायोडायवर्सिटी की हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इज़ कन्फाइंड टू ओनली अबाउट वन किलोमीटर थिक लेयर ऑफ़ लिथोस्फीयर। वो कहता है कहाँ तक महदूद है ये ज़िंदगी जो है वो कितने तक महदूद है जो बायोडाइवर्सटी की है मुख्तल अक, अनवाकसाम की जो ज़िंदगियाँ हैं वो अमूमन जो है ना एक किलोमीटर थिक लेयर जो है ना उसमें उस तक है मकसद है कि लीथोसफेयर में मकसद ज़मीन के ऊपर जो है सॉलिड जो हमारी ज़मीन है उससे एक किलोमीटर अब आप नाप लें कितना होता है किलोमीटर तो उसी के ही अंदर ही आपको डाइवर्सिटी मिलेगी मुख्तलिफ़ाकसाम के माइक्रोआर्गनिज़म्स वगैरह मिलेंगे लिथोसफेयर्स में एक किलोमीटर हाइड्रोसफेयर में ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस हाइड्रोसफेयर क्या होता है जो तमाम पानी तो पानी जो है वो अर्थ सरफर पर है एंड एटमोसफेयर विच फॉर्म बायोसफेयर तो लिथोसफेयर हाइड्रोसफेयर एंड एटमोसफेयर जो है ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं बायोसफेयर कहते हैं और वो साइंसदान कहते हैं कि इसमें वन किलोमीटर थी लेयर जो होती है ऊपर पानी में नीचे और इर्द गिर्द गिर्दा में तो उसमें ये ज़्यादा तक वराइटी जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है सो अकॉर्डिंग टू वेल्टर रॉन्सन एक साइंटिस्ट है वो इसकी यूँ तारीफ़ करता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सटी और बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइंड एज द वाइटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स

फिफ्टी मिलियन स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की एनिमल्स की और माइक्रो आर्गेनिजम की मौजूद हैं और वन पॉइंट फोर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू डेट नेक्स्ट है थ्री कैटेगरीज ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ में थ्री कैटेगरीज क्या बनी हुई है इसकी नंबर वन जो है वो प्रोडक्टिव यूज़ है इसका बायोडाइवर्सिटी जो है ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल होती है या हमें फ़ायदा देती है तो उसका क्या है उसके तीन हैं कैटेगरी कैटेगराइज किया गया है उसे तो पहला है प्रोडक्टिव यूज़ प्रोडक्टिव यूज़ में यूज क्या होता है प्रोडक्टिव दैट आर कमर्शियली हार्वेस्टेड मतलब वो हैं प्रोडक्टिव जो के खेती बाड़ी हो गई गला बानी करते हैं पोल्ट्री करते हैं हार्वेस्ट करते हैं ना कमर्शियली हम फॉर एक्सचेंज इन फॉर्मल मार्किट्स फॉर्मल मार्किट्स फॉर्मल मार्किट्स क्या होती हैं ईच सेलर हैज़ ए फिक्स्ड लोकेशन एक खास लोकेशन होती है location, जैसे स्टोर बना होता है तो वहाँ वो सेल होती हैं या वहाँ परचेज़ होती हैं वो चीज़ें ना तो नेक्स्ट है कि कंज़प्टिव यूज़, कंज़प्ट, कंज़प्शन वैल्यूज़, वैल्यूज़ वैल्यूज़ वही पहले भी बताया कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए वो वैल्यू होंगी कंजप्टिव यूज़ कंजप्टिव वैल्यू इज़ रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट आर कन्ज्यूम्स डायरेक्टली ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो के डायरेक्टली ही इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है वो कहीं अगर नॉन टिम्बर हैं उनके वो ट्रंक नहीं बनते ठीक है उनके तने इतने मज़बूत नहीं होते तो वो क्या होते हैं तो वो लोकली ही इस्तेमाल हो जाते हैं जैसा कि सॉफ्ट ब्रूम ग्रास होता है ये थ्री मीटर लॉन्ग होता है अमूमन विच इज़ यूज फॉर मार्किट ब्रूम्स जैसे झाड़ू वगैरह बनते हैं और इनके लिए ये कौन सी चीज़ आते हैं कन्जमटिव जहाँ पैदा होते हैं तो तकरीबन उसी लोकेशन में वो इस्तेमाल हो जाते हैं जैसे कि कुछ वराइटीज़ ऐसी भी होती हैं ये जो हमारा एप्पल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती ही नहीं है क्योंकि उनकी शेल्फ़ लाइफ इतनी कम होती है कि वो कहीं भेज ही नहीं सकते तो वो जिस एरिया में पैदा होते हैं गिलगत में और उन साइड में तो वहाँ के लोग ही उसे कंज्यूम कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कंज़प्टिव यूज़ हो गया ठीक है उस बायोडाइवर्सिटी का क्या हो गया कंज़प्टिव यूज़ हो गया और एक लास्ट में है कि इनडायरेक्ट यूज़ हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू इज़ रिलेटेड टू प्राइमरली विद फंक्शंस इकोसिस्टम ठीक है फंक्शन इकोसिस्टम जो होता है जहाँ कुछ परफॉर्म हो रहा था है उससे होता है मे प्रोवाइड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें देता है फ़र्ज़ करो एक हम एकोलॉजिकल बैलेंस रखते हैं ठीक है हम जगहों को ख़राब नहीं करते हैं तो उससे वो हो जाता है ना कि वो नेक्स्ट जो है फिर उसका फ़ायदा होता है दूसरी ऐसे मिसाल है कि एक जगह ज़मीन है उसकी जो है लेवल नहीं है उसमें स्लोप है तो रन ऑफ जो होता है पानी जो है वो तेज़ी से गुजरता है तो तो अपर लेयर जो है साइल की वो क्या हो जाती है अरोड हो जाती है कट जाती है बह जाती है फर्टाइल पोर्शन उसका तो वहाँ जो है वो फिर नेक्स्ट क्राप उगाना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उस उरयन को कंट्रोल कर लेते हैं उसकी टेरेसिंग या ऐसा चीज़ बना देते हैं उसकी या उसको लेवल कर देते हैं या उसकी स्लोप को कम कर देते हैं तो उससे क्या होगा हमें उसका इनडायरेक्ट यूज़ हो रहा होगा उसका ठीक है इनडायरेक्ट यूज़ हो रहा होगा उससे हमें फिर बाद में फ़ायदा होगा जब ये हम उसका कर लेंगे या हम उस पर स्प्रेडिंग जो है वो कोई ग्रासेस वगैरह लगा देंगे तो टोरेंशल रेन जब पड़ेंगी ज़्यादा तेज़ तो उससे जो है वो आपकी साइल लेयर इरोड नहीं होगी बह नहीं जाएगी उससे तो आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी आपको अपनी वो एग्रीकल्चर के लिए तो लिहाजा फिर ये इस ये इकदाम करने से जो है इससे क्या होगा उसका इनडायरेक्ट यूज़ कहेगा नेक्स्ट है कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसके लेवल्स कितने हैं नंबर वन है जेनेटिक डाइवर्सिटी ये क्या है टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप स्पीशी का जो टोटल नंबर उसमें होते हैं करैक्टरस्टिक के जेनेटिक तो वो क्या होते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी मुख्तलिफ डाइवर, उसमें जो है जेनेटिकली उसमें मुख्तलिफ हो जाना ना स्पीशीज डाइवर्सटी नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट आर रिप्रेजेंट इन ए गेवन कम्युनिटी फ़र्ज़ करो एक कम्युनिटी है आपने एक पाउंड बनाया हुआ है तो उस पाउंड में क्या है बेटा कि उसमें मुख्तलिफ जो है वो उसमें रोहू भी है उसमें मली मछली भी है उसमें जो है स्नैक फ़िश भी है और उसमें स्टार फिश भी है और ये सारी जो है ना तो उसको क्या कहेंगे स्पीश, स्पीशी डाइवर्सटी कहेंगे और थर्ड है एको सिस्टम डाइवर्सटी में क्या होता है वेरिएशन ऑफ़ एको सिस्टम फाउंड इन ए रीजन एक रीजन है उसमें वेरिएशन है एक तरफ टीला बना हुआ है एक तरफ पाउंडस बने हुए हैं एक तरफ उसके पहाड़ हैं ठीक है तो वो एकोसस्टम डाइवर्सटी होगी मुख्तलिफ चीज़ें होंगी ना पहाड़ और चीज़ है टीला और चीज़ है बेटा तो उस एक दूसरे से वेरी वेरी करते हैं ना तो लिहाजा वो एकोसस्टम भी उनके डिफरेंट होंगे जो लेजर्ड जो है वो आपके उस पर ड्यून्स में पाई जाएगी टीले में पाई जाएगी वो आपकी जो है वो इरिगेटेड एरिया से डिफरेंट होगी और वेरिएशन इन इकोसिस्टम ओवर द होल प्लैनेट्स और फिर ये तो छोटे रीजन पे हमने नज़र मारी है और अगर हम पूरी जो हमारी अर्थ है उस पर नज़र मारें तो उसमें बहुत सारी वेरिएशन फिर इकोसिस्टम में हमें नज़र आएगी बेटा तो ल, ल, तो उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितनी टाइप्स हैं इसकी नंबर वन होती है टेक्सानोमिक डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मारफालोजी डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है बेटा थैंक यू वेरी मच